إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار मोहतरम भाइयों, नौजवान साथियों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये शाबान का महीना है। शाबान के इस महीने के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने पहले अर्ज करेंगे। आज के खुतबे का टॉपिक नहीं है ये, लेकिन चूंकि शाबान का महीना है तो शाबान के महीने के ताल्लुक से चंद बातें जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है, आपका तरीक़ा रहा है और जो आपके सहाबा और सहाबियात का अमल रहा है, उसके ताल्लुक से चंद बातें पेश करने की ज़रूरत समझता हूँ, इसलिए उसे याद दिलाता हूँ। वो बातें अक्सर आपके सामने आती रहती हैं, लेकिन वो बातें आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये शाबान का महीना जो अब आधे के करीब चल रहा है, यानी बहुत जल्द ही वो आधा जो है शाबान का महीना हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि आप शाबान के महीने में बड़ी कसरत से रोज़ा रखा करते थे, लेकिन आपने अपनी उम्मत को मना किया है, अपनी उम्मत के लिए ये बात कही है कि जब शाबान का महीना आधा हो जाए, इदन तसफा शहरु शाबान फला तसूम, कि जब शाबान का महीना आधा हो जाए तो तुम रोज़ा मत रखना। तो शाबान के महीने में आधे शाबान तक ही रोज़ा रखने की आपने जो है उम्मत को तालीम दी है। चूंकि आप कसरत से इस महीने में रोज़ा रखा करते थे, तो कहीं ये न समझे उम्मत कि हमारे लिए भी ये चीज़ है कि हम इस महीने में पूरा महीना या अक्सर महीना जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में गुजारते रहे, हम भी रोज़े में गुजारें। तो ऐसा नहीं है। उम्मत के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ये रही है कि जब शाबान का महीना आधा हो जाए तो तुम रोज़ा मत रखो। क्यों आपने मना किया? क्योंकि ये शाबान का महीना, इसके बाद रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की कुव्वत बाकी रहनी है। कहीं ऐसा ना हो कि शाबान के महीने में तो रोज़ा रख लिया और उसके बाद जब फ़र्ज़ रोज़े का मसला आया तो फ़र्ज़ रोज़े में इसकी वजह से कोताही हो जाए, यानी ये ताकत न रह जाए बदन में, बीमारी, परेशानी, कमज़ोरी और इस तरह की कोई चीज़ हो जाए जिसकी वजह से रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा उसमें कोई परेशानी हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए यह हिदायत फरमाई है कि आधे शाबान के बाद रोज़ा न रखें।
ये पहली बात थी। दूसरी बात जो इस जो है जुमे में ये जो चंद बातें आपके सामने शाबान के महीने से रखनी है, वो दूसरी बात ये है, ख्वातीन से ये गुजारिश है खास तरीके से कि अगर पिछले रमजान के महीने के जो रोजे कजा रोजे बाकी रह गए हैं, जो आम तरीके से ख्वातीन के लिए ये चीज होती है कि वो जो माहवारी में होती है, यानी जो हम मंथली कोर्स कह लेते हैं आज की जबान में, जो हर जो है नौजवान औरत के साथ ये मसला होता है, और उसकी वजह से जो रोजे उनके कजा होते हैं, अगर उन्होंने अब तक अपने ये रोजे कजा नहीं रखे हैं तो ये शाबान का महीना है। अब ये रमजान से पहले का आखिरी महीना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हम सब की माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे रोजे जो रमजान के छूट जाया करते थे, यानी जो कजा होते थे माहवारी के दिनों के रोजे जो कजा होते थे, मैं उसे शाबान के महीने में कजा कर लिया करती थी, शाबान के महीने में रख लिया करती थी, क्योंकि इस महीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत से रोजा रखा करते थे। तो आप चूंकि रोजे से रहते थे इसलिए मेरे लिए भी रोजा रखना इस महीने में आसान होता था। तो इसी महीने में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उन रोजों की, छूटे हुए रोजों की कजा करती थी। अगर आप में से भी मेरे भाइयों किसी का अगर पिछले रमजान का कोई रोजा सफर की वजह से, बीमारी की वजह से अगर छूटा हो और उसकी कजा भी बाकी हो, तो अब जल्दी करें, क्योंकि रमजान से पहले पहले उसकी कजा होनी है और उस कजा रोजे को रखना है। तो शाबान के महीने से एक मसला यह भी जुड़ा हुआ है जो आपके सामने हमने पेश कर दिया। एक और बात जो शाबान के इस महीने से जुड़ी हुई है वो ये है कि 15 शाबान के दिन लोग आम तरीके से रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं। हमारे इस मुल्क में बहुत से लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं और ये सवालात अब बड़ी कसरत से आना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते में बड़ी कसरत से ये सवालात आएंगे, इसीलिए मैं ये मसला पहले ही से पेश कर दे रहा हूँ ताकि ये सवालात ना आए और इसके बारे में सबको पता रहे। लोग शाबान के महीने के 15वें दिन का खास तरीके से रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं। इस सिलसिले की जो हदीस है वो ज़ईफ़ हदीस है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है, और ऐसा मसला भी नहीं है, आप ये ना समझें जब मैं ये बात पेश कर रहा हूँ इस मिंबर से कि ये कोई मसला ऐसा है जो सिर्फ उलमाए अहले हदीस ही इसके कायल हैं कि रमजान के शाबान के 15वें दिन का रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस ज़ईफ़ है, ये सिर्फ उलमाए अहले हदीस कहते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है मेरे भाई। उलमाए अहनाफ ने भी इसके बारे में ये बात जिक्र कर रखी है। मैं सिर्फ एक जो है बड़े मशहूर आलिम है और हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत ही मशहूर जो है आलिम माने जाते हैं, फिक्हे हनफी के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती तकी उस्मानी, उनके बारे में आप भी सुनते होंगे, जो है नाम सुनते रहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी ये बयान है, कोई भी शख्स इसके बारे में मालूम कर सकता है कि उन्होंने ये बात जिक्र की है कि जो हदीस शाबान की 15 तारीख के रोजे के बारे में आती है वो हदीस ज़ईफ़ है। उन्होंने भी ये बात सराहत के साथ कही है कि वो हदीस ज़ईफ़ है, और इसी वजह से 15 शाबान का खास रोज़ा रखना उस हदीस की वजह से ये साबित नहीं है। तो ये एक बात थी 15 शाबान के रोजे के ताल्लुक से। और भी 15 शाबान के जो है को लेकर के बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो लोगों में पाई जाती हैं, और खुद ये जो बड़े मशहूर आलिम हैं फिक्हे हनफी के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जिनका अभी मैंने जिक्र किया, उन्होंने खुद अपने जो है बयानात में इस बात की वजाहत की है कि बहुत सी चीज़ें जो है लोगों ने इस सिलसिले में ईजाद कर रखी हैं, बहुत सारी बिदात, बहुत सारे रस्म रिवाज लोगों में जड़ पकड़ चुके हैं, और हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए। वो ये बात वही कहते हैं, मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ आपके सामने। कहते हैं कि हमारे लिए सबसे अहम चीज़ इत्तेबा है, उनका कहना है
हमारे लिए सबसे अहम चीज इत्तेबा है। इत्तेबा का मतलब क्या है? यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात साबित है न हमें उससे कम करना है और न हमें उससे ज्यादा करना है। हमें इत्तेबा करनी है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें पैरवी करनी है, हमें फॉलो करना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को। जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है आपसे साबित है, आपके सहाबा से साबित है, तो यकीनन उसके बारे में ये बात कही जाएगी कि ये चीज साबित है और उस पर अमल किया जाए। और जो चीज साबित नहीं है तो फिर उसके बारे में यही कहा जाएगा कि न उसमें कोई ज्यादती करनी है न कोई कमी करनी है। जो साबित है न उसमें ज्यादती करनी है न कमी करनी है, क्योंकि हमारा दीन हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलता है, बल्कि हमारा दीन इत्तेबा का नाम है। इत्तेबा का मतलब क्या होता है? कि हमें फॉलो करना है, अपनी मर्जी से नहीं कुछ करना है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कुछ करना है, अपनी तमन्नाएं और आरजुएं और अपने एहसासात और जज्बात के मुताबिक नहीं चलना है। कि हमारे जज्बात क्या हैं, हमारे एहसासात क्या हैं, हमारी फीलिंग क्या है, हमें क्या करना है, वैसा नहीं है। दीन का मामला खालिस इत्तेबा का मामला है। ये किताब व सुन्नत के इत्तेबा का नाम दीन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने का नाम दीन है। आपके तरीके के मुताबिक आपके सहाबा जो चलते रहे उनके तरीकों की पैरवी करने का नाम दीन है। मेरे भाइयों, ये बातें जो है जिक्र करते हैं कौन? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। ये शाबान के इस महीने के ताल्लुक से चंद बातें थीं, चंद जो है चीज़ें थीं जिसकी तरफ जो है तवज्जो दिलानी थी, याद दिलाना था। सिर्फ पहले से चीज़ें आपको मालूम होती हैं, हमने वो बातें याद दिलाई। हम इन चीज़ों को बहुत तफसील से इसलिए नहीं बयान करते कि अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं और आप लोगों का इसके मुताबिक अमल भी है और कोई जो है इसमें परेशानी की बात भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है। आज के हमारे इस खुतबे का असल टॉपिक है, जहां ये शाबान का महीना है वहीं मेरे भाइयों ये मार्च का महीना भी है। ये मार्च का महीना शमसी लिहाज से मार्च का ये महीना है, और जब मार्च का महीना आता है तो ये महीना इम्तिहानों का महीना कहलाता है। स्टूडेंट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां, इसे जो है ये उनके लिए इम्तिहान का महीना है ये, और इसी महीने में उन्हें इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है और इम्तिहानों की तैयारी और उसके बाद रिजल्ट, सारी चीज़ें जो है इस महीने से जुड़ी हुई हैं। तो आज के इस खुतबे में हम अपने इन भाइयों और बहनों से चंद बातें जिक्र करना चाहते हैं, जो हमारे भाई और बहन इस महीने में इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं या इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, उनसे चंद बातें हम अर्ज करना चाहते हैं। सबसे पहली बात इस सिलसिले की है कि ये इम्तिहान मेरे भाइयों, हमारी पूरी जिंदगी ही एक इम्तिहान। दुनिया में हमारा वजूद ही एक इम्तिहान है, और दुनिया के अंदर भी हमें मुख्तलिफ इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। दुनिया के इन इम्तिहानात की जब हम तैयारी करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें ये सोचना चाहिए, ये आनी चाहिए सोच हमारे अंदर, ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम दुनिया के इन इम्तिहानों के लिए तैयारी करते हैं। और कितनी तैयारी करते हैं, आप किसी स्टूडेंट से पूछिए, किसी तालिब से पूछिए, जिसके सर में ये खब्त सवार है, जिसके सामने एक टारगेट है, जो कुछ करना चाहता है इस दुनिया में और कुछ बनना चाहता है। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तलबा की बात कर रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो कुछ बनना चाहते हैं। आप मालूम कीजिए कि वो इस इम्तिहान के लिए कितनी तैयारी करते हैं, कितनी रातों की नींदें, कितनी रातों की नींदें कुर्बान करते हैं, कितनी उनकी ख्वाहिशात होती हैं जो ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते,
न जाने कहाँ जाना होता है, क्या काम होता है, लेकिन हर काम के लिए क्या कहते हैं वो कि मेरा एग्जाम है, नहीं फला तारीख को मेरा एग्जाम है और मैं नहीं जा सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं खेल कूद में नहीं लग सकता, मैं शादी ब्याह की रस्मों में नहीं जा सकता, मैं फला काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहां तक कि घर में हमारी बच्चियां जो उन्हें घर के छोटे मोटे काम करने होते हैं तो उस वक्त वो भी ये कहती है, नहीं नहीं मेरा इम्तिहान है अम्मी, मेरा एग्जाम है, मैं जो है एग्जाम के दिनों में ये सब नहीं करती, मेरी पूरी तवज्जो किसकी तरफ है? एग्जाम की तरफ है। ये छोटे से एग्जाम के लिए मेरे भाइयों, अगर हमारे भाइयों हमारे जो है बच्चों में ये फीलिंग है कि जब इम्तिहान है तो हमें अपनी पूरी तवज्जो इस इम्तिहान की तरफ लगानी चाहिए, जब उनकी ये सोच हो सकती है मेरे भाइयों, तो फिर हमारी ये सोच क्यों नहीं हो सकती दुनिया के इस इम्तिहान को लेकर के कि हमारी ये जिंदगी पूरी इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने इस मौत और जिंदगी को पैदा किया है, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में अमल के लिहाज से बेहतर कौन है। ये हम सब की आजमाइश है जिंदगी। हमें आखिरत की तैयारी के लिए मेरे भाइयों कितनी सोच रखनी चाहिए अपने अंदर। उसके बाद हमारे ये बच्चे जो तैयारियां करते हैं एग्जाम की, असल में उन्हीं से चंद बातें ये करनी है। सबसे पहली बात ये है कि जब आप इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो ये बात जहन में बैठा लीजिए, कहा जाता है कुन आलियल हिम्मती, अरबी में कहते हैं कुन आलियल हिम्मती। जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो आपके सामने जो मंजिल होनी चाहिए ना, वो सबसे ऊंची मंजिल होनी चाहिए, बिल्कुल जो है लास्ट, जो सबसे ऊपर होगा। लास्ट से मुराद यहां पर ऊपर वाला लास्ट जो है, लास्ट फ्लोर के बारे में सोचना है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। जब सोच ऊंची होगी तो मेहनत भी आदमी उसे लिहाज से कर, कोशिश भी उसी के लिहाज से करता है। तो पहले अपने अंदर ये सोच पैदा करने की जरूरत होती है कि मैं पास हो जाऊं, ये मेरा टारगेट नहीं है। एग्जाम में पास होना ये मेरा टारगेट नहीं है, इम्तिहान में सिर्फ पास ही नहीं होना है बल्कि मुझे बहुत ऊंचे दर्जे को जाना है। जब मैं इस तरह की बातें पढ़ता हूं कहीं तो मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा याद आ जाते। मैं इस दुनिया की तैयारी को आखिरत की तैयारी से जोड़ करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब मैं ये याद करता हूं, इस चीज को जो है पेश करता हूं, आज होता है बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं कि अगर उनका नंबर अच्छा नहीं आया तो सिर्फ पास होना नहीं, अच्छा नंबर नहीं आया तो परेशान हो जाते हैं कि मेरा नंबर जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सिर्फ ये ख्वाहिश नहीं करते थे कि उन्हें जन्नत में दाखिला मिल जाए, नहीं, एक सोच ये भी है और ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसी भी शख्स को जन्नत में दाखिला मिल जाए, बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन एक आदमी की सोच हो सकता है कि सिर्फ ये हो कि जन्नत में दाखिला मिल जाए, लेकिन दूसरे शख्स की सोच ये है कि जन्नत में दाखिला मिले तो बहुत ऊंचा दर्जा जो जन्नतुल फिरदौस है या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, एक सोच ये होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब आते थे आपके पास तो क्या कहते थे, कहा एक साथी ने आपके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका साथ चाहता हूं जन्नत, मैं आपका साथ चाहता हूं, सिर्फ जन्नत में जाना ये नहीं, ये एक टारगेट होता है, ये एक सोच होती है मेरे भाई।
मैं ये चाहता हूं कि मुझे आपका साथ मिले जन्नत में। ये होता है इन्नी उरीदु मुराफ़क़तका फिल जन्ना, कि मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, यानी ये चीज भी ऐसे ही ख्वाहिश करने से नहीं मिल जाती है, लेकिन पहले सोच तो होनी चाहिए ना। जब अपनी सोच को एक सहाबी ने जिक्र किया तो आपने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा साथ नसीब हो तो ये दुनिया की जिंदगी है ना, इसी दुनिया की जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ऊंची सोच होगी, जितनी ऊंची सोच होगी मेहनत भी उतनी ही ज्यादा होगी। कहा आईनी, कहा आईनी बिनफ्सी का ला कसरत सुजूद, इस तरह के अल्फाज जो है आप कसरत से फिर नफिल नफाजे पढ़ो। मुख्तलिफ जो है काम हो सकते हैं इबादत के। ये जो है मेरे कहने की बात यहां पर सिर्फ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने इस उनकी सोच को अच्छा समझा और उन्हें कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी चीज जो अपने भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब आप इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो अरबी में इसे कहा जाता है कि कुन मुतफाइलन बिन नजाह, कुन मुतफाइलन बिन नजाह, यानी आप जब तैयारी करते हैं किसी भी चीज की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप पहले ज़हन में यह बैठा लीजिए कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। और कहा जाता है वहज़र मिन तफकीर सलबी, और कोई मनफी सोच, निगेटिव सोच, नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता। किसी भी इम्तिहान में जाने से पहले ही ऐसी कोई सोच पैदा कर लेना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत सोच होती है। पहले ये अच्छी तरह से जहन में बैठा लो कि मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं, और जब ये सोच होती है कि मैं कामयाब हो सकता हूं तो फिर आदमी उसके लिहाज से मेहनत करता है, और जब मेहनत करता है अपने रब पर तवक्कुल करते हुए, भरोसा करते हुए, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे कामयाब भी करता है। लेकिन सोच पहले क्या होनी चाहिए, जिसे अरबी में कहा जाता है कि कुन मुतफाइलन बिन नजा, आप ये सोच रखो कि मैं कामयाब हो सकता हूं। ये सोच नहीं कि नहीं, वो डर हमेशा कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। जो हमेशा ऐसा सोचता है तो फेल हो जाता है। जो ये सोच कर पढ़ता है कि नहीं मैं कामयाब हो जाऊंगा, जो ये सोच कर पढ़ता है कि मैं ये सीट निकाल सकता हूं, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये सलाहियत दी है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, जो ये सोच कर पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसे कामयाब करता है। ये खालिस इस्लामी सोच है। दुनिया के ताल्लुक से भी ये जहन में बैठा ली, दुनिया के इस निजाम के ताल्लुक से भी मेरे भाइयों इसको बैठा लीजिए। क्या है ये हमारी दुनिया की जिंदगी, ये पूरी जो है इम्तिहान की तैयारी है। सवालात तो हमसे कब्र में किए जाएंगे, हमारे जो सवालात होने वाले हैं वो कहां होंगे, कब्र में होंगे। और ये पूरी दुनिया की जिंदगी हमारी तैयारी की ये जिंदगी है। अल्लाह ताला का नेक बंदा वो होता है जिसे अपने रब की रहमत से उम्मीद है कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा। अल्लाह ताला ने ये जो है बात जिक्र की है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमाते हैं इसको, हदीस में है ये बात कि बंदा जब अपने रब के साथ हुस्ने जन रखता है, हुस्ने जन क्या है, अच्छा गुमान रखता है कि वो मेरा रब है, वो मुझे माफ कर देगा और मेरे सारे गुनाहों को माफ करके जन्नत में मेरा दाखिला नसीब फरमा देगा। जिस बच्चे को, जिस जो है इंसान को, जिस शख्स को, जिस मोमिन को ये उम्मीद होती है और ये जो है फिक्र और ये जो है उसकी ईजाबी सोच, अरबी में उर्दू में जो है ईजाबी सोच कहते हैं हम, जो है ये पॉजिटिव जो है थिंकिंग जो इंग्लिश में आप कहते हैं, जो इसके साथ चलता है तो अल्लाह ताला की रहमत भी उसके साथ होती है।
यकीन मानो मेरे भाइयों, हम सब आप सब से मैं ये बात कहता हूँ, खुद से भी ये बात कहता हूँ कि हमारे पास जो सरमाया है वो यही हुस्ने जन का सरमाया है। इस दुनिया की जिंदगी में मेरे भाइयों हमारे अमल तो ऐसे नहीं हैं कि हम अपने अमल की वजह से ये कुछ ऐसा सोचें कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ हमें कामयाबी मिल सकती है या इस दुनिया के इम्तिहान में हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने रब की रहमतों से उम्मीद है। हमें उम्मीद है, क्या उम्मीद है? कि हमारा रब बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है, बड़ा करीम है, और उसकी रहमतों से हमें ये उम्मीद है कि वो अपनी रहमतों से हमारे सारे गुनाहों को ढांप देगा और हमें माफ़ फरमा करके जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उसकी रहमतें हम सब को शामिल हाल हो जाए और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला हमें जन्नत की खुशखबरी उसकी तरफ से मिल जाए और हम सबको अल्लाह ताला जन्नत में इकट्ठा फरमा दे, यही हम अपने रब से उम्मीद करते हैं। तो जैसे इम्तिहान हाल में दाखिल होने से पहले एक स्टूडेंट को क्या करना होता है कि पहले ये कम से कम दिमाग में बैठा ले कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, वो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इंसान को होता है तो वहाँ से उसके लिए जवाब देने में भी आसानी होती है, और जो जितना ज़्यादा अपने रब से हुस्ने ज़न रखेंगे तो दुनिया के इम्तिहान में भी उनको उसी तरह से कामयाबी मिलती है। एक चौथी बात जो हम अपने इन भाइयों से और अपनी इन बहनों से जो तलबा और तालिबात की फहरिस्त में हैं, जो स्टूडेंट हैं और इस वक्त वो इम्तिहान के दिनों से गुजर रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं चौथी बात कि ये अच्छी तरह से नोट कर लें। और हम आप सब लोगों से ये बात कह रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग ये भी पूछते रहते हैं कि कोई दुआ बता दीजिए, बहुत से लोग हैं दुआओं की दुकानें खोले बैठे हुए, हर चीज़ के लिए क्या है कोई दुआ बता दीजिए, वो दुआ लोग बताते रहते हैं, हाँ इम्तिहान के लिए आपको क्या करना है ये दुआ पढ़ लीजिए, ये आयत पढ़ लीजिए, बस इम्तिहान में कामयाब हो गए। ये सब धोखा देने की चीज़ें हैं मेरे भाई। ना कुरान में ऐसी कोई आयत है, ना हदीसों में ऐसी कोई दुआ है जो इम्तिहान के दिनों में कोई पढ़ ले और वो कामयाब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शरीयत ने मेरे भाइयों ये नहीं रखा है। हमारी शरीयत ने हमारे लिए जो रखा है वो ये है कि हमें मेहनत करनी है। अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें मेहनत करनी है, और मेहनत करने के बाद रब से दुआ कीजिए। इसके लिए कोई खास दुआ नहीं है, लेकिन कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। दुआ तो हर काम के लिए करना है, इसके लिए भी दुआ कीजिए। आप जो है अपने रब से कामयाबी की दुआएं मांगिए, ये जायज़ है, लेकिन कोई खास आयत कोई खास दुआ इसके लिए जैसे लोग बयान करते रहते हैं और ये पेश करते रहते हैं कि अपने बच्चे को ये दुआ जो है पढ़ा दीजिए, या जो है इसको पढ़ा जो है लिख करके देते हैं कि इसे पानी में डाल करके पिला दीजिए और उसके बाद जो है बच्चा कामयाब, तो ऐसी कोई चीज़ मेरे भाइयों नहीं है और न इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है। इस्लाम तो मेहनत करने की दावत देता है और ये कहता है कि पहले आप मेहनत करो, मेहनत करने के बाद क्या काम है फिर अपने रब से दुआ करो। ये चौथी चीज है, दुआ करनी है। यही मामला दुनिया के इस इम्तिहान का भी है, उसे भी नोट कर लीजिए। दुनिया की इस जिंदगी में हमें अमल करना है, पहले अमल करना है, अमल करने के बाद अपने रब से दुआएं, अपने रब से जन्नतुल फिरदौस मांगनी है, दुआ करनी है, लेकिन उसके लिए अमल भी करना है। कोई भी काम आप तिजारत करते हैं तो तिजारत के लिए जो मेहनत दरकार है पहले मेहनत करनी है,
और उसके बाद उसमें कामयाबी के लिए अपने रब से दुआएं कीजिए। यही मामला इम्तिहान का भी है कि इसमें पहले मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद अपने रब से दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला तू इस मरहले को हमारे लिए आसान कर दे। सिसरे की एक आम दुआ आपको बताता हूं, ये किसी इम्तिहान की दुआ नहीं है, ये जहन में रखिए। कोई भी परेशानी का वक्त होता है जिसमें इम्तिहान का भी मसला दाखिल है, तो उस वक्त के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, छोटी सी दुआ। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन लना। ऐ अल्लाह, कोई भी चीज आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे। अगर अल्लाह ताला आसान कर दे किसी चीज को तो वो आसान हो सकती है। सही इब्ने हिब्बान की एक रिवायत है ये। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन लना, कि अल्लाह आसान नहीं है मगर वही जो तू हमारे लिए आसान कर दे। وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ, और ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो तू मुश्किल को भी आसान कर दे। तो ये पहले जहन में रख ले कि आसान वही होगा जो हमारा रब चाहेगा, और मुश्किल से मुश्किल चीज भी अगर हमारा रब चाहे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। बच्चों को ये बात जहन में बैठा लेनी चाहिए, इसलिए इम्तिहान हाल में जाने से पहले इस चीज को ध्यान में बैठा लो। आप ये सोचते हो कि ये आसान है, ये मुश्किल है, ये आसान और मुश्किल, मेरे भाइयों, हम अरबी उर्दू में कहते हैं ये निस्बती चीज है, यानी कोई चीज किसी के लिए आसान हो सकती है, किसी के लिए मुश्किल हो सकती है। वही चीज, ये आसान और मुश्किल खुद कोई चीज नहीं होती है, ये तो अपने रब से दुआ कीजिए। अगर वो चीज़ आपको याद है तो वो चीज़ आपके लिए आसान है, अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान है। और ये कोई चीज़ हम याद कर ले जाए और कोई चीज़ हमारे ज़हन में महफूज रह जाए और उस चीज़ हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए, ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है। इसीलिए कहा गया ये कि ऐ अल्लाह, जिसे तू आसान कर दे वही आसान, और तू चाहे तो तू मुश्किल को भी आसान कर दे। तो अपने रब से ये दुआ करें कि तू मुश्किल से मुश्किल को हमारे लिए आसान कर दे। जिस रब ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को इतना नरम कर दिया कि वो जब चाहे उसे जैसे चाहे मोड़ सकते थे, वो मुश्किल से मुश्किल पर्चा भी, मुश्किल से मुश्किल पेपर भी हमारे लिए आसान कर देगा। हमें अपने रब से ये उम्मीद रखनी चाहिए, मेहनत करने के बाद इस सोच के साथ और इस मुसबत सोच के साथ इम्तिहान हाल में दाखिल हों कि अल्लाह ताला जो भी है उसे आसान कर देगा। एक पांचवीं चीज, जब घर से निकले तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो एक आम जिक्र है जो मोमिन बंदों को सिखाया गया है। ये कोई इम्तिहान के लिए खास नहीं है, क्योंकि पहले मैं आपको कह चुका हूं कि इम्तिहान के लिए कोई चीज साबित नहीं है, लेकिन ये इम्तिहान के लिए खास नहीं, लेकिन क्या करना है, इसे पढ़ करके निकलें। तो जब भी घर से निकलते हैं हमेशा इसे पढ़ के निकलना चाहिए, उस दिन खास तरीके से एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि अहले इल्म ने यह बात लिखी है कि एक जो है बच्चा, एक स्टूडेंट, एक तालिब, एक तालिबा, जब वो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं और गुनाहों से बचते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी मुश्किलात को आसान कर देता है, और चीज़ें उन्हें याद रहती हैं, चीज़ें जहन में बैठ जाएं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आदमी गुनाहों से बचे, और गुनाहों से बचते हुए अल्लाह ताला की इताअत पर, उनकी फरमाबरदारी पर कायम रहे। आम तरीके से ऐसी सुस्ती हो जाती है बच्चों से, बच्चियों से, कि इम्तिहान के दिनों में नमाज की पाबंदी और दूसरी चीज़ों की पाबंदी कम हो जाती है, तो इससे कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अगर इससे हमें कोई दुनियावी कामयाबी मिल भी जाएगी तो मेरे भाइयों, आखिरत तो हाथ से चली जाएगी, और ऐसी कोई कामयाबी नहीं चाहिए जिसके नतीजे में आखिरत की कामयाबी चली जाए।
इसके बारे में मुख्तलिफ जो है मुहद्दिसीन की और मुख्तलिफ जो है सहाबा और ताबेईन की बातें हैं, मैं वो चीज़ें जिक्र करूँगा तो लंबी हो जाएगी, वक्त हो रहा है तो मैं मुख्तसर अंदाज में दो पॉइंट्स और भी आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक छठी बात इसमें ये है कि ये भी जहन में बैठा लें, कभी भी इम्तिहान में जाते हुए ये जहन में बैठा लें कि ये जिंदगी का कोई आखिरी इम्तिहान नहीं है, ये पूरी जिंदगी हमारी इम्तिहान है और हमें हमेशा इम्तिहान से गुजरना होता है। इसलिए इस इम्तिहान में कामयाबी और नाकामी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा माना नहीं रखती है, हमें मेहनत करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, लेकिन ये हमारी जिंदगी से ऐसी कोई जुड़ी हुई चीज़ नहीं है कि इम्तिहान की ये नाकामी हमारी जिंदगी की नाकामी है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो आखिरत का इम्तिहान है, जो दुनिया पूरी हमारी ये जिंदगी एक इम्तिहान है, इसकी नाकामी मेरे भाइयों हमेशा की नाकामी है, इसकी तरफ तवज्जो देनी है। इसीलिए ये पूरी कोशिश करें कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए किसी तरह की चीटिंग ना करें। उन बच्चों से ये बात कही जा रही है, अब मुसलमान है ना, ईमान वाले हैं, ईमान वाले हैं, ये पहचान होनी चाहिए ईमान वाले स्टूडेंट की कि उनसे किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो, कुछ भी नहीं है, एक भी जो है एग्जामिनर नहीं है, कोई नहीं है इम्तिहान हाल में, कोई भी निगरानी करने वाला नहीं है, तब भी एक मोमिन है तो ये सोचता है कि उसके रब की निगरानी है, वो कभी चीटिंग नहीं करता। क्योंकि ये दुनिया के इम्तिहान में अगर चीटिंग करके कामयाब भी हो गए तो आखिरत के कामयाबी ना जो है इम्तिहान में हम नाकाम हो गए। ये दुनिया की कामयाबी तो कुछ नहीं ना होगी, जब आखिरत में नाकाम हो गए तो बेकार है ये, तो चीटिंग कभी नहीं कर। उनको भी और जो लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत से पढ़ाने वाले ऐसे भी होते हैं कि वो लोग खुद चीटिंग करवा देते हैं। एग्जाम हाल में बहुत से ऐसे जो है एग्जामिनर भी होते हैं जो कि खुद चीटिंग करवा देते हैं, खुद बताते रहते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि एक बड़े आलिम के बारे में ये बात है कि वह इम्तिहान हाल में अपने स्टूडेंट को कोई पूछे कि जो इसका क्या जो है माना है तो बोल दिया करते थे, बता दिया करते थे। और उलमा की सबसे बड़ी कमजोरी और परेशानी ये है, मैंने कई मर्तबा ये बात जिक्र की है कि जब ये गलतियां करते हैं तो फौरन कुरान और हदीस से दलील दे देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते बल्कि उसके लिए जायज़ होने की दलील ज़रूर पेश कर देते हैं। जब जो है उस आलिम से ये बात कहेगी कि आप ये क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो कहा कुरान में है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो अल्लाह ने तुमको इल्म दिया उसको छुपाओ मत, जब तुमसे कोई पूछे तो तुम उसको बता दो, इसलिए मैं बता रहा हूं। हदीसों में भी ये बात है मेरे भाइयों, लेकिन इम्तिहान के लिए वो बात नहीं है। यहां तो ये खयानत है, ये जो है एक तरह से चीटिंग है ये, और ये एक ऐसी चीज है कि हम गुनाह में शरीक हो जाते हैं उनके साथ। तो कभी भी एक मोमिन इसमें शरीक नहीं हो सकता, चाहे वो मोमिन मर्द हो, मोमिन औरत हो, हमारे ये बच्चे, ये हमारे जो है इन्हें खुद जो है हम ताकीद करते हैं कि न कभी ये चीटिंग करे, और कोई पूछता भी है अगर एग्जाम हाल में तो हरगिज हरगिज किसी की मदद ना करें इसमें, किसी को बताएं नहीं, क्योंकि चीटिंग करने वाला भी और चीटिंग कराने वाला भी दोनों अल्लाह ताला के यहां पकड़े जाएंगे। ये शरीयत में हराम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन गश्शना वलै जमीन्ना, जो भी चीटिंग करे वो हम में से नहीं हो सकता, वो जो है मुसलमानों के तरीके पर नहीं है जो चीटिंग करता है, इसलिए शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। मेरे भाइयों ये चंद बातें थीं, और जो है अगर हम पॉइंट्स बयान करेंगे तो और भी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन वक्त चूंकि हो रहा है तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये दुनिया के इम्तिहान की तैयारी, इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए और उससे बढ़ करके हमें आखिरत की तैयारी इस दुनिया में करनी चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए कि असल कामयाबी तो हमारी वही कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला
हम सबको दुनिया के इस इम्तिहान में भी कामयाब फरमाए। और अल्लाह ताला असल जो इम्तिहान है हमारा और असल जहाँ पे हमसे सवाल होने वाला है, कब्र जो आखिरत की पहली मंजिल है, अल्लाह ताला उस इम्तिहान में हम सबको कामयाब फरमाए और हमारे ज़बान से सही जवाबात अल्लाह ताला अदा फरमा दे। अल्लाह ताला कल जन्नत में हम सब का मकाम और ठिकाना बनाए और अपने अपने नबी की रिफाकत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وربنا حليم.